रावण के पास एक ऐसी एक मछली भी थी, मरमेड जिसको बोलते हैं, जो कि समुद्र में हड्डी मछली वाली मछली, जो कि बड़ी बड़ी आज्ञाकारी सेविका थी रावण की। जब रावण को ये पता लगा था कि ब्रिज बन रहा है लंका की तरफ, तो रावण ने जो है उसको भेजा कि जा करके ब्रिज नीचे से डिस्ट्रॉय कर दे, पीछे से अपनी पूंछ मार मार के इनका ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही आ गया तो ये जो मरमेड थी, ये जो मछली थी, क्या बोलते हैं मरमेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिस इज जलपरी। जलपरी, ये जलपरी थी, ये गई और ये जा करके नीचे से जा करके ये डिस्ट्रॉय करने लगी, ब्रिज था उसको डिस्ट्रॉय करने लगी। जब ब्रिज को ये डिस्ट्रॉय कर रही थी तो हनुमान जी वहां देख रहे थे, ये क्या है, ब्रिज को कौन तोड़ रहा है नीचे से। तो हनुमान जी ने कहा, ए कौन है तू। तो जब इसने पहली बार हनुमान जी को देखा, कहती है, अरे क्या बात है, क्या बंदा है, क्या दिखता है, वाह क्या ओज है, क्या तेजस्वी है, क्या बॉडी है, वाह। तो इनके रूप के प्रति मोहित हो गई वो, ये जलपरी। तो हनुमान जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर। कहते हाँ बिल्कुल युद्ध करूंगी। अब युद्ध करने के लिए आ गई ये, लेकिन युद्ध युद्ध कम कर रही थी, चिपक चिपक ज्यादा रही थी, कभी पीछे से पकड़ ले, कभी आगे से पकड़ ले, कभी उनकी बाजू पकड़ ले, कभी ऐसे पकड़ ले, कभी पीछे से पकड़ ले। हनुमान जी ने कहा, लड़ रही है क्या कर रही है, उसको दूर हटाया। कहते क्या कर रही है तू, ये युद्ध कर रही है क्या कर रही है। कहते मैं वास्तव में बताऊं ना, आप इतने आकर्षक हो, इतने सुंदर हो आप, इसलिए मैं ना, मैं तो आलिंगन करने के लिए मैं युद्ध लड़ रही थी आपसे। कहते हाँ, मैं श्री राम का दास हूं, मैं हूं रामदास, श्री राम का दास हनुमान, दूर हट मेरे से। आप तो और लट्टू हो गए हनुमान जी में। कहते एक तो इतना सुंदर व्यक्ति, ऊपर से चरित्र इसका कितना अच्छा है, और प्रभु श्री राम का भक्त है, वाह। कहते आज से, उसने कहा जलपरी ने कहा, आज से मैं रावण के ऑफिस से रिजाइन करती हूं, आज से आपका ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट देती हूं, मुझको रख लीजिए आप। तो ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभु की भक्ति में इतना लग्न है जैसे हनुमान जी हैं, उनकी पवित्रता इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है बाकियों को कि देखिए अगर आप भक्ति करेंगे तो आपका चरित्र कितना ऊंचा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास का स्किल्स है अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छी बात है चरित्र हो, ये बहुत और भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी पास ना तो चरित्र हो ना कौशल हो, लेकिन एक चीज है, हरि की भक्ति है, हरि की भक्ति आने से व्यक्ति का चरित्र भी ऊंचा हो जाएगा और साथ ही उसके अंदर अगर जो चाहिए स्किल्स भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त होता है वो सब प्रकार के गुणों को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है बड़ी मैग्नेटिक है, जो भक्ति है वो चुंबकीय है और सारे अच्छे गुणों को आकर्षित करती है भक्ति। इसलिए कभी हमको अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, आप अच्छा इंसान बनिए। अच्छे इंसान अकेले में क्या क्या करते हैं उनका वीडियो बना दिखाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा अच्छे इंसान क्या होते हैं। हमें अच्छा इंसान नहीं बनना, हमें बनना है तो हरि का भक्त बनना है, हनुमान जी की तरह राम जी का भक्त बनना है। जब भक्त बनते हैं तो एक अच्छे भक्त के अंदर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली होता है, एक अच्छे इंसान के अंदर हो सकता है भक्त ना हो, और ऐसा जो अच्छा बने को समय रहता, सारा समय नहीं टिकता, लेकिन चरित्र हमेशा बना रहे, टिका रहे, इसके लिए चाहिए हरि की भक्ति, श्री राम की भक्ति। राम भक्ति होने पे चरित्र अपने आप आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भक्ति नहीं है उसके पास चरित्र कभी नहीं आने वाला, चाहे वो कितना जोर लगा ले। कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ गुणों को विकसित कर ले वो, लेकिन अगर परमानेंटली अगर हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए, गुड क्वालिटी चाहिए, सदगुण विकसित करने हैं, तो हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हैं श्री राम। इसलिए हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो दो जगह पे आग नहीं लगाई, एक स्थान था अशोक वाटिका, दूसरा विभीषण जी का घर, वहां नहीं लगाई। ऐसा नहीं तो क्रोध में पागल हुए, आग लगा दी, बढ़िया से जला के भस्म कर दिया। तो अरे सीता मैया, अरे। तो हनुमान जी से ये भी सीखना चाहिए कि क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन क्रोध अगर रेगुलेटर के साथ हो तो अच्छा रहता है। अगर रेगुलेटर ना हो क्रोध के अंदर तो क्या होगा, विनाश कर देंगे हम। रेगुलेटर के साथ क्रोध, अगर कभी क्रोध भी करना पड़े तो, इसलिए हनुमान जी ने जब क्रोध किया तो ऐसे नहीं क्रोध में पागल हो गए, उन्होंने विभीषण जी का घर बचा के रखा, विभीषण जी के घर को कुछ नहीं होने दिया, और साथ ही अशोक वाटिका उसको भी कुछ नहीं होने दिया। तो जो भक्त होता है ये दोनों कार्य करता है, यानी कि जो अनर्थ है उनसे लड़ता भी है, काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर्य से लड़ता भी है, और साथ ही साथ में भक्ति के जो कार्य है सेवाएं ये भी करता है, दोनों कर रहे हैं। पोषण भी लेना है, लड़ना भी है, पोषण लेना है और लड़ना है, दोनों कार्य करने हैं।
एक समय श्री राम ने लक्ष्मण जी के सामने हनुमान जी को बोला कि हनुमान तुम तो मुझको लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। तो सामने हनुमान जी, यहां लक्ष्मण जी भी हैं। राम जी ने बोला कि हे हनुमान तुम तो मुझको लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहना प्रभु वास्तव में आपने जो कहा ना कि मैं आपको लक्ष्मण से दुगना प्रिय हूं, असल में आपने यही बताया कि लक्ष्मण आपको ज्यादा प्रिय है। श्री राम ने कहा क्यों कैसे? तो हनुमान जी ने कहा हम वैसे क्या कहते हैं कि आप तो मुझको मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तो आपने ये कहकर कि आप लक्ष्मण से भी ज्यादा मुझे प्रिय हो आपने कह दिया कि लक्ष्मण तो मेरे प्राण है, आप एक बाहर के व्यक्ति हो, तो लक्ष्मण आपके हृदय के व्यक्ति हो गए और मैं एक बाहर का व्यक्ति हो गया। तो वास्तव में आपने जो बोला ये आपने लक्ष्मण की ही प्रशंसा की, लक्ष्मण आपको ज्यादा प्रिय है। तो उसके बाद राम जी लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारे से दुगना मुझे प्रिय है हनुमान। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 25 साल मैं सीता मैया के साथ रहा लेकिन मैंने सीता मैया का विश्वास नहीं जीत पाया कि जब आपने पुकारा मेरे को और लक्ष्मण जी से सीता जी ने बोला कि जाओ मेरे प्रभु श्री राम जो हैं वो कष्ट में हैं जाओ ना आप, तो उस वक्त तो लक्ष्मण जी के चरित्र के ऊपर भी डाउट कर दिया सीता मैया ने कि 25 साल लगे लेकिन फिर भी मैं सीता मैया के विश्वास को नहीं जीत पाया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ ही क्षणों में सीता मैया का विश्वास जीत लिया। तो वास्तव में हनुमान श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने सीता मैया का विश्वास इतनी जल्दी जीत लिया, मैं तो 25 साल में जीत नहीं पाया। और दूसरी बात यह है कि मैं लक्ष्मण हूँ, आध्यात्मिक जगत में मैं अनंत शेष हूँ। अनंत शेष क्या करते हैं, भगवान को धारण करते हैं अनंत शेष, लेकिन हनुमान इतने महान हैं कि एक कंधे पे आपको रखते हैं एक कंधे पे मेरे को रखते हैं, यानी कि आपको धारण करने वाले को भी इन्होंने धारण किया हुआ है और प्रभु जिनको मैंने धारण किया उनको भी धारण किया हुआ है। तो इसीलिए निश्चित रूप से अगर ये आपको दुगना प्रिय हैं निश्चित रूप से, अब ये बहुत ही उत्तम बात है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो भगवान का भक्त होगा वो दूसरे भक्त की प्रशंसा होते हुए खुश होगा और जो कमजोर भक्त होगा वो दूसरे की प्रशंसा सुनकर के अरे उनकी बड़ी तारीफ हो रही है ऐसा कर दिया उसने, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए, कहा हम क्या यहाँ पर घास काटने के लिए आए हैं, हाँ नहीं तो उनकी तारीफें किए जाओ ऐसी की तैसी, ये भक्त हैं नहीं, उनको तो आपने VIP कार्ड दे दिया, हमको तो VIP कार्ड भी ले नहीं, हम तो इतनी सेवाएं करते हैं कहाँ है VIP कार्ड, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन बना के रखा है हमको VIP, नहीं आएंगे वहां से मंदिर में। तो क्या ये भक्त है, क्या ये भक्त है? जो भक्त होता है वो तो दूसरे भक्त की प्रशंसा सुनकर के और खुश होता है, अरे हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा अति उत्तम। अच्छा हनुमान जी के साथ क्या भेजा था, एक अंगूठी जिसपे क्या लिखा था राम। तो प्रभु जो है गुरु के माध्यम से संसार में हमारे पास भेजेंगे क्या, अपना नाम, हरि का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, ये नाम ही वास्तव में ये भगवान के ट्रेजर हाउस में उनकी जो खजाना है उस खजाने में सबसे कीमती चीज चीज़ है वो भगवान का नाम ही है। तो सारे समुद्र को पार करके हनुमान जी पहुंचे हैं लंका में और अपने साथ क्या लेकर क्या है, श्री राम का नाम। तो छुपे हुए थे और सीता मैया को देख रहे थे हनुमान जी, जब सीता मैया से मिले हैं तो सीता मैया को देख रहे हैं कि सीता मैया जो है कितनी सुंदर है और कितनी विलक्षण है वो वास्तव में, लेकिन सीता मैया के सामने भी तो आना बहुत ज़रूरी है। तो सीता मैया के सामने आए तो छोटे रूप में आए, चाहे किसी को दिख ना जाए तो छोटे रूप में आए। तो सीता मैया ने पहले डाउट किया, कहते पता नहीं ये कौन आ गया, कहीं ये रावण ही तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं नहीं मैं रावण नहीं, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, मैं तो हनुमान हूँ। कहते क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी बताता हूँ क्या सबूत है। तो उन्होंने राम का नाम लिया, राम 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 राम। तो सीता मैया को ये विश्वास हो गया कि राक्षस तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस श्री राम का नाम इतना नहीं ले सकता, सिर्फ हरि का भक्ति हरि का नाम ले पाता है, राक्षस लोग नहीं ले पाते, जितनी राक्षसी प्रवृत्ति होगी उतना हम राम का नाम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, इसे कि मैं बोलना पड़ता है बोलिए बोलिए मुंह खोलिए, बोलिए ना बोलिए भगवान का नाम लीजिए बोलिए सब,
चुगली करिए, कहते अभी कर दे, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो सीता मैया ने जब देखा कि हनुमान ने इस तरह से राम का नाम लिया, तो असली प्रमाणिक गुरु कौन होगा जो कि भगवान का नाम देगा आपको, जो ये क्रिया वो क्रिया कुंडलिनी ये फलानी ढिमकानी जो दे रहा होगा धोखेबाज है वो। वही गुरु प्रमाणिक है जो क्या दे, राम का नाम, और जिसके हृदय में राम बसते हो, जिसका भजन हो राम नाम, वो हनुमान जी। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी से राम नाम सुना तो पता लगे कि हाँ राम जी के भक्त हैं, और इतने बड़े भी हो गए हनुमान जी। तो पहले सीता मैया पूछ रही थी, कहती सीता मैया ने कहा कि हनुमान से कि हनुमान मतलब तुम्हारा वास्तविक साइज क्या है, मतलब ये छोटा वाला साइज है वो बड़ा वाला साइज। तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हनुमान जी ने कहा वैसे मेरा वास्तविक जो साइज है बहुत छोटा है, लेकिन मैं प्रभु की सेवा के लिए ना कोई भी साइज ले लेता हूँ। भगवान का भक्त क्या मानता है, मैं तो प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ, लेकिन हाँ उनकी सेवा के लिए मैं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोटा हूँ मैं क्या सेवा करूँगा जी, तो क्या करूँ कंबल ओढ़ के सो जाऊँ, नहीं। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया हनुमान जी ने सीता मैया को कि मेरा वास्तविक जो साइज है वो तो बहुत छोटा है, मैं बड़ा तुच्छ हूँ, लेकिन मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं कोई भी साइज ले रहता हूँ। यानी प्रभु की सेवा के लिए भक्त जो होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये भक्त का गुण होता है। तो भगवान श्री राम के बारे में जब इस प्रकार से सुना, और फिर उन्होंने क्या दिया सीता मैया को, अंगूठी जिसमें था राम नाम। तो जो गुरु आएंगे तो गुरु हमारे जीवन में क्या देंगे, प्रभु का नाम देंगे। तो जो गुरु भगवान का नाम दे वास्तव में वही प्रमाणिक है। और हनुमान जी की भक्ति इतनी अद्भुत है वास्तव में। हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों बड़े अद्भुत भक्त हैं। लक्ष्मण जी वैसे गृहस्थ हैं और जो हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं, राइट। जब सीता मैया का हरण हुआ था तो सीता मैया जब हरण हुआ तो पूछा कि तो कुछ जगह पे सीता मैया के कंगन भी थे, कुंडल भी थे, उनकी नथनी भी थी, गिरे हुए थे। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी पहचानते हैं आप ये सीता मैया का है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा एक्चुअली ना मैंने ना सीता मैया को ना कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, तो इसलिए ना कंगन और ये ना मैं पहचान नहीं पाऊंगा। गृहस्थ हैं लेकिन रहते क्या है, पवित्रता की तरह रहते हैं, ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, इन द सेंस बाकी जो स्त्रियां हैं उनको माता के समान देखते हैं। कहते मेरी माँ है, माँ के तो चरणों के ऊपर देखते नहीं ना, तो इसलिए मैं तो उसे चरणों तक ही देखा है मैंने, तो इसलिए मैं कंगन नहीं पहचान सकता, मैं उनकी कुंडल नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता। तो ये पवित्रता है लक्ष्मण जी की। और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं जो कि ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जब लंका में गए तो लंका में पहचान रहे कि सीता मैया कहाँ होंगी, कहाँ होंगी, महलों में यहाँ वहाँ सब जगह देख रहे हैं हनुमान जी। कुछ स्त्रियों को पलटते भी हैं, कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकती। कुछ जगह देखा कि स्त्रियाँ पड़ी हुई हैं महल में, अर्धनग्न पड़ी हुई हैं, कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकती। जब मंदोदरी को देखा कहते ये लगती है सीता, इतनी सुंदर इतनी विलक्षण, ये सीता होनी चाहिए। लेकिन जब ध्यान से देखा कहते नहीं इसमें कुछ दोष है, सीता मैया के अंदर कोई दोष नहीं हो सकता, इसलिए ये होगी कोई बहुत अच्छी स्त्री होगी लेकिन लेकिन सीता नहीं हो सकती। लेकिन ब्रह्मचारी ऐसे माताओं को देखे अगर इधर ये है कि ये ठीक है नहीं है वो है कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो ब्रह्मचारी है वो स्त्रियों को देख रहा है, और ये जगह है गृहस्थ है वो कहता है जी मैं तो चरणों से ऊपर देखा नहीं। अगर ऑपोजिट बिहेवियर होता तो हम कहते हाँ देखो ये ब्रह्मचारी है ये अच्छा गृहस्थ है। लेकिन भगवान की सेवा हेतु व्यक्ति अपने आश्रम को नहीं देखता, भगवान की सेवा हेतु सिर्फ। लेकिन जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, लक्ष्मण जी इतना उत्तम उदाहरण है कि सीता मैया को तो माँ के रूप में देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं, तो चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। तो गृहस्थ होते हुए भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए देखिए हम तो गृहस्थ हैं हम तो ताका झाकी कर सकते हैं, नहीं। लक्ष्मण जी उदाहरण है, लक्ष्मण जी ने कभी चरणों से ऊपर देखा नहीं। और जो ब्रह्मचारी है उसको नहीं सोचना चाहिए मैं नहीं जाऊँगा जी बाहर बार ये स्त्रियाँ क्या ये तो नर्क का द्वार है, तो मैं तो ब्रह्मचारी। अच्छा तो ऐसी भावना रखने वाला ब्रह्मचारी जहाँ टिकता नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान ये तो भगवान के भक्त हैं सारे, जो स्त्रियों से द्वेष करता है निश्चित रूप से भगवान माताओं से डिस्टेंस रखता है एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे घृणा भी करता है, ऐसा नहीं करता जो ब्रह्मचारी होगा। तो भगवान की सेवा हेतु भक्त जो है आश्रम नहीं देखता, आश्रम के परे भी अगर कुछ करना हो तो करने के लिए तैयार रहता है वो, लेकिन अपनी मर्यादा का पालन करता है वो। तो ये उदाहरण आता है हनुमान जी का और लक्ष्मण जी का। तो राम नाम की महिमा कई प्रकार से आती है। एक बड़ी फेमस जो स्टोरी आती है वो आती है ब्रिज कैसे बनाया जाए भला लंका के, और ब्रिज कैसे बनाया जाए। तो जो सब सोच रहे थे ब्रिज कैसे बनाया जाए,
ब्रज कैसे बनाया जाए। तो हम जब सोच रहे होते हैं तो सोचते सोचते हम किसका नाम लिखते हैं, हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे कि हम बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हम लोग सोचते हो किसका नाम लिखते हैं, हम लोग खुद का नाम लिखते हैं, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में नाम लिखेंगे, उसको डार्क करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, उस आगे फूल पत्ते बनाएंगे, अपना नाम, क्योंकि हमें किससे प्यार है, भगवान से ना, खुद से प्यार है हमें। तो सोचते सोचते हम किसका नाम लिखते हैं, खुद का नाम लिखते हैं। लेकिन हनुमान जी को किनसे प्रेम है, राम जी से। तो सोचते ब्रिज कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो सोचते सोचते किसका नाम लिखा, राम जी का नाम लिख दिया। तो सोच ही रहे थे, सोचते सोचते क्या हुआ, पत्थर जो छटक करके नीचे गिर गया। जब पत्थर जब नीचे गिरा तो उन्होंने देखा पत्थर तैर रहा है। हनुमान जी ने कहा, अरे वाह, हमें पता ही नहीं था यहाँ के पत्थर तैरते भी हैं, कमाल की बात है। तो उन्होंने एक और पत्थर लिया, वो डाला, लेकिन वो डूब गया। कहते अरे ऐसा क्यों कि पहला वाला तैर गया दूसरा वाला डूब गया। तो पहले वाले पत्थर उठा के देखा, उस पर लिखा था राम। हनुमान जी ने कहा, अरे मिल गया सोल्यूशन। तुरंत जा करके माउंटेन पे खड़े होकर के उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, अब देवियां तो नहीं थी, सज्जन ही थी वहां पर उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं, सज्जनों और सज्जनों आइए, हमें समाधान मिल गया है किस प्रकार से ब्रिज बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा जी, कहते श्री राम का नाम इतना अद्भुत है कि ये पत्थरों को भी तैरा दे, आइए हम सब मिलकर के ब्रिज बनाएं। तो सब राम जी का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद पत्थर रख रहे हैं, और इस तरह से ब्रिज बनना शुरू हुआ। जब ब्रिज बनना शुरू हुआ तो राम जी भी ऊपर से सुपरवाइज कर रहे थे कि सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं। देखा, अरे सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर उठा करके लेकर के आ रहे हैं और रख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे देखा सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो राम जी ने कहा हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। तो राम जी ने क्या किया, उन्होंने पत्थर उठाया, उन्होंने भी डाल दिया, लेकिन वो पत्थर डूब गया। तो राम जी ने पूछा हनुमान जी से, कहते हनुमान ऐसा क्यों कि तुम लोग पत्थर डालते हो तो तैरता है, जब मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका नाम इतना दिव्य है कि पत्थर का स्वभाव है डूबना, लेकिन इसने पत्थर का स्वभाव बदल दिया, पत्थर तैर रहे हैं। उसी प्रकार से संसार के अंदर जो लोग चिंताओं में डूब जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, द्वेष में डूब जाते हैं, ईर्ष्या में डूब जाते हैं, काम वासनाओं में डूब जाते हैं, क्रोध में डूब जाते हैं, लोभ में डूब जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि डूबना हमारा स्वभाव है। लेकिन आपका नाम ऐसा दिव्य है कि अगर किसी के पास आपका नाम हो तो उसका स्वभाव बदल देगा। जिसका स्वभाव है डूबना, चिंताओं में डूबना, एंग्जाइटीज में डूबना, डूबना, उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो तैरेगा। ये आपके नाम का अद्भुत स्वभाव है कि हमारे डूबते हुए स्वभाव को बचा ले और हम लोग तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। ये आपका नाम की महिमा है। और प्रभु आप जब पत्थर फेंकते हैं या स्टोन फेंकते हैं, शिला फेंकते हैं, तो डूब इसलिए जाता है क्योंकि जिसको आपने फेंक दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, जिसको श्री राम ने त्याग दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपको दंड देना है ना, हमें दंड दो, लेकिन हमें त्यागना नहीं। ओ माय लॉर्ड, नेवर एवर अबैंडन मी, पनिश मी इफ यू वांट टू पनिश मी, आप मेरे को दंड दो, लेकिन आप मुझे त्यागना नहीं। अगर प्रभु ने हमें त्याग दिया हम कहाँ जाएंगे। तो जिसे प्रभु ने त्याग दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जैसे कि एक बार हनुमान जी गए श्री राम के पास और नारद मुनि ने चर्चा की। नारद मुनि ने कहा कि मैंने सुना है कि श्री राम के पास एक डायरी है और उस डायरी में ना उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से भक्त हैं जो कि श्री राम को सबसे अधिक याद करते हैं, वो डायरी है उनके पास। कहते हैं अच्छा। तो वो डायरी देखने के लिए गए भगवान के पास हनुमान जी। तो उनको लगा शायद मेरा कहीं नाम हो, शायद ना भी हो, पता नहीं, देखते हैं डायरी देखते हैं। तो डायरी जब उन्होंने खोल के देखी तो उसमें ना कहते हैं इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। कहते अच्छा ओके। तो श्री राम ने कहा क्या वो हनुमान क्या देख रहे हो। कहते हैं मैं ये डायरी देख रहा था आपकी, अच्छी है। कहते हैं अपना नाम देख रहे हो ना इसके अंदर। कहते हाँ ये डायरी, हाँ मैं इसमें ये देख रहा था मेरा नाम है कि नहीं है। भगवान ने कहा वो डायरी वो है वास्तव में जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं, तो ये वो वाली डायरी है। मेरे पास ना एक और डायरी भी है। भगवान ने ना अपने पल्लू में से छोटी सी एक डायरी निकाली। कहते मेरे पास ये बड़ी बड़ी गोपनीय डायरी है। कहते प्रभु ये कौन सी डायरी है। तो भगवान ने कहा ये वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ। इसमें देखना चाहोगे, उसमें कोई देखना चाहोगे। उसमें पहला नाम था हनुमान जी का। तो हनुमान जी को जो है स्वयं प्रभु याद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का भजन इतना घना है वास्तव में। तो जो बड़े करीबी होते हैं वो कृपा भी खूब मिलती है उनको, लेकिन जो करीबी होते हैं उनको परीक्षाएं भी खूब देनी पड़ती हैं। लेकिन परीक्षाएं जब होती हैं तो भगवान ये शक्ति भी देते हैं कि उन परीक्षाओं को हम पार कर सकें। लेकिन भगवान जिनकी परीक्षा लेते हैं ये बड़ी ऊंची स्थिति होती है वास्तव में।
जैसे कि हनुमान जी हैं हमेशा राम नाम भजन करते हैं। एक समय नारद मुनि ने पूछा भगवान से, प्रभु आपका भजन सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? तो भगवान ने कहा कि हनुमान जो है ना सबसे ज़्यादा निष्ठावान होकर के, श्रद्धावान होकर, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करता है वो हनुमान उसका उत्तम उदाहरण है। तो हनुमान जी से भजन सुनने के लिए नारद मुनि पहुँच गए हनुमान जी के पास और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हे हनुमान जी, मैंने सुना है कि आपके ऐसा भजन करने वाला कोई नहीं है, आपके द्वारा मुझे भजन सुनना है। तो जब श्री राम का गुणगान करने लगे हनुमान जी, तो गुणगान इतना मधुर था श्री राम का कि नारद मुनि की वीणा उनके हाथ से फिसल गई और वीणा पड़ी हुई है और वो जो है वहाँ स्तब्ध हो गए। इतना अद्भुत भजन किया, कीर्तन किया भगवान के नाम का हनुमान जी ने, वो इतना मधुर था, इतना इंटेंस था, इतना प्रेम भरा था कि आसपास जो पत्थर थे वो पिघलने लगे। और क्योंकि पत्थर पिघलने लगे तो उनमें जो नारद मुनि की वीणा थी वो भी उस पर डूबने लगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ तरल हो जाए तो उसमें वीणा फिर डूबने लगेगी, तो वीणा उस पर डूबने लगी। और इस प्रकार से भजन करते करते उन्होंने भजन जब समाप्त किया तो नारद मुनि जो है अब होश में आए। इतना अद्भुत, इतने प्रेम से, इतने हृदय से भजन करना, ये आपकी ही विशेषता है हनुमान जी, अद्भुत है, अद्भुत। तो जब वो वहाँ से जब जाने लगे तो मैंने कहा अरे मेरी वीणा कहाँ है, वीणा वीणा कहाँ है। अब क्योंकि भजन रुक गया था तो रॉक्स भी जम गई थी वापस, तो वीणा जो है अब रॉक्स में फंस गई। अब रॉक्स पिघली थी, पत्थर पिघले थे, उनमें वीणा चली गई थी, अब रॉक्स फिर से पथरीली हो गई थी, तो अब वीणा उसमें फंस गया। अब उसको निकाले कैसे निकाले? उन्होंने कहा हनुमान मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा भजन एक बार फिर से कर दो ताकि मैं वीणा अपनी निकाल सकूँ। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं करूँगा। और हनुमान जी कहते मैं तो जा रहा हूँ। कहते अरे हनुमान ऐसा मत करो, देखो ये वीणा का मैं प्रयोग करता हूँ, मैं भी नाम कीर्तन करता हूँ, प्लीज़ ये करो ना, इसको निकाल दो कृपा करके, ये इसको निकालो। कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ। कहते अरे क्या करने, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से हनुमान जी चल पड़े, उनके पीछे पीछे नारद मुनि है। हनुमान जी आगे आगे उड़ रहे, पीछे पीछे नारद मुनि आ रहे। हनुमान ऐसा मत करो, मेरी वीणा फंस गई है। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन है नाम है, अरे ऐसा मत करो। और हनुमान जी सारे एरिया में उड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे नारद मुनि। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फाइनली वो जगह पर पहुंचे और फिर से हनुमान जी ने भजन किया और वीणा निकाल करके उनको दे दी। तो नारद मुनि ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको देनी थी उसी वक्त ऐसा कर, मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला आपने? तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको, आपने राम नाम सुना राइट, और आपका श्री राम के नाम में इतनी निष्ठा है, तो मैं चाहता था ऐसे भक्त की चरण धूलि तो इस सारे एरिया पे पड़नी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ समय के लिए मैं आपको घुमा दिया ताकि आपके चरणों की धूलि जो है यहाँ वहाँ गिर जाए तो ये स्थान पावन हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, सॉरी नारद मुनि ने कहा कि ये स्थान पावन है, पहले से ही पावन है, क्योंकि आपके ऐसे भक्त यहाँ पर श्री राम के नाम का भजन कर रहे हैं। इसीलिए तो राम नाम भजन के बड़े उत्तम उदाहरण है हनुमान जी।